गाइस ये मेरे छेली है, ये मेरा छेलू है और ये मेरा दरवाजा है खुड़ का। सी ओए ओए बाहर हो दिया ओए ओए केड़ा नुबड़ा है। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, आई मीन गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग गाइस। कैसे आप सब लोग हैं? बढ़िया होंगे, आई होप बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं मस्त हूँ। तो अभी मैं जा रहा है क्रिकेट खेलने मेरे दो कुछ एक दो पंटरों के साथ। तो वो दोनों उधर बैठे हैं, दोनों भाई भाई है। और ये हमारे फर्स्ट प्लेयर, क्या नाम तेरा भाई? नाम क्या? ओके जतिन हिटलर। और ये इसको तो आप जानते होंगे, फेमस बंदा तेजू राम, आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देख लेना। अभी रुसन थी लास्ट स्टोरी तेजू राम। ब्याह चल रहा हूँ, ब्याह जा तेरे पापा ने ब्याह लग रहा है डंडा। नहीं मम्मी ला जाने तो जा। ये है मेरे गांव का नजारा, आपने पहले देखा होगा, अब भी देख लो। गाइस मेरे गांव के लिए आ रहा है रोड, मतलब नीचे से दो मिनट का रास्ता भी नहीं, फिर भी देखो रोड बिल्कुल गांव के पास पहुंच। यहाँ देख रहे जैसे कि लोगों ने यहाँ पे ये रखी है छल्ली, ये अखरोट का पेड़ और एक ये छल्ली के छोटे छोटे, नहीं जब छोटी छल्ली छोटी होती है ऐसे रखे ताकि ये सूखे, मतलब सूखे रहे सड़े। ये है ढरांगण, ढरांगण ढरांगण ढरांगण। ये है नीचे हमारी पिच जहाँ पे हम खेल। तो पिच का मुआयना करते हुए, काफ़ी शानदार पिच है, उबड़ खाबड़ है और सामने है विकेट। मतलब हर रोज़ यहाँ पे खेल खेल के भाई बेचारे खेत का क्या बना दिया है। और ये यहाँ से सीधे स्ट्रेट मारो, लेग मारो, ऑफ मारो, जहाँ भी मारना मारो, लेकिन पीछे मत मारो, पीछे दरिया है। इसने डाल दिया अब टाई टाई, मतलब तीन डंडे डालेंगे हम क्योंकि हम तीन लोग हैं। तो इसमें लिखा होगा एक दो तीन, तो हमें चूज़ करनी है एक, जिसमें जिसकी जो बारी आएगी वही पाका पाका मेरी ए चार छः दस। ये लास्ट, ये फर्स्ट, मैं सेकंड। तो मैच शुरू करते हैं हम। तो तीन लोग हैं, मैं बॉल करूँगा, ये कीपर खड़ा, कीपर के लिए खड़ा होगा और ये खेलेगा। कितने कम लोग हैं, एक की ये वाला, ये वाला देख पीछे 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 रख दिया ऊपर राइट। एक नंबर मैच था। सो गाइस बहुत ज़्यादा खेलने के बाद मतलब ऐसी हालत हो गई है कि भाई अब हम पैरों को, मतलब अंदर से कितनी चुस्ती दिखाए लेकिन पैर और हाथ बोल रहे हैं बस भाई बस का। तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी दरे के किनारे मज़े मारने। छाड़ मार मार। और ये लैंडिंग बचिया, कितना नुबड़ा तू जिंदगी में दे आते। नहीं नहीं, ओह माय गॉड, माफ करना सरकार, आपके जूते तो गए। दसा जूता दाए दाए पानी निकल रहा है गाइस, आई एम सॉरी यार। तो ये हमारी नहाने की, नहाने का डैम होता था, होता है, मतलब अभी तो ठंडे मन तो कर रहा नहा ले लेकिन नहीं नहाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर, ये है जो रोड में दिखता नहीं बड़े वाला डैम नीचे वाला, ये वो वाला है। और ये सामने है अपना गांव ढरांगण। तो यहाँ पे देखो वहाँ पे दो कैंपिंग है, एक पर है तीन, ये होटल पर होटल बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये पता नहीं क्या बनने वाला है आने वाले समय में। घोड़ू घोड़ू आई लव यू। अंदर जाना है हम लोगों ने पर ये नहीं खुलता, तो इसलिए हमको ऊपर से जाना पड़ेगा। भी क्या होता है गाड़ी देता गाइस, यहाँ से छुप छुप कर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं पीएसपी वाले, पर वीडियो नहीं देखेंगे तो कॉलम जाना। आप
मेरी टोपी खुल गई गाइस, कोई बात नहीं आ जाओ। चल ठीक है, आ जाओ, कैमरा कहाँ से लोगे? ओके बाय। अब देवा क्या आज तो सुना होना पर कर सुनी तो सगाली फिर हे। तो ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ एक डैम है। यहाँ पे पहले मैदान हुआ करता था, मैदान मुझे नहीं पता क्या होता था, लेकिन होता था यहाँ पे। ये पूरा का पूरा नीला समंदर है, नीला समंदर तो नहीं है, नीली आड़ी है। एक बार हम नहा रहे थे नीचे, तो फिर हम यहाँ पे आए थे, तो पानी कभी कभी इतना आ जाता ऊपर ऊपर का, तो मेरा मन किया था कि मैं नहाऊँ इसमें। हे फिर मुझे डर लग गया। इसको लगभग 100 साल होने वाले हैं, 2025 तक शायद 100 साल हो जाएंगे इस डैम को। देख सकते हैं आप, फिर भी इसकी हालत बहुत मस्त है। आज मैं घोड़े को घास खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको पटाऊँ और इसके ऊपर सवारी करूँ, लेकिन घोड़े के ऊपर सवारी करना मतलब इतना आसान नहीं होता। कभी कभी ये खा भी लेते हैं अपने दांतों से। तो मैं अभी घास इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि उस घोड़े को खिलाऊंगा और फिर घोड़े को पटा कर उसमें बैठूंगा। वैसे मैं घोड़े में आज तक कभी नहीं बैठा, मुझे बहुत डर लगता है। एक बार क्या हुआ था कि हम गधे के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे थे, गधे ने टांग पकड़ ली, फिर हम बच के किसी तरह। अभी बहुत नाकामयाब कोशिश करने वाला हूँ, मतलब इस घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करूँगा। मम्मी थाल ले जाओ, मेरा पेट खोला बाहू लग से, टोपी खोलो मेरी टोपी रख जो घोड़े पीछे जा जा। फटी फटी चल चल जा। अब ये घोड़ा है, ये घोड़ा मेरे को घोड़ा बना देना, आ जा ले। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया तो फिर कैसा होगा, कैसा लगेगा आपको? बढ़ जाओ, बढ़ जाओ पीछे जा, तो तू कैमरे के दिक्कत है। चल तू बढ़ सही, डर लग रहा है और खाने में और बस नहीं सागर। ओह यस यस जिंदगी में पहली बार मैं घोड़े पे बैठा, अब मैं फिर से बैठूंगा। ओ भाई बालों का क्या हो गया? ठीक है हो गए बाल सेट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार घोड़े में बैठा, बड़ा मज़ा है, इसलिए मैं और घास ढूंढने जा रहा हूँ ताकि उसके ऊपर और बैठ सकूँ। हाय मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़ोर से तेज धड़क रही थी। तो भैया कांटा लगा, इतना सारा घास काफी होगा उसके लिए, बड़ा मजा आएगा। गाइस घोड़े का मालिक आ गया, आगे आगे जरिया माफ करना घोड़े के मालिक,
चल 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 एक कप तो चल बस भाई लोना की है ये लोना की है सीध लो जा मेरा घोड़ू है तू ये मेरा घोड़ू है गाइस ये मेरा घोड़ू है बहुत टाइम बाद मतलब पूरी लाइफ में पहली बार मैं घोड़े में बैठा थोड़ा सा चला ऐसे कहते हैं मेरे को बड़ी डर लगी पर ये दौड़ नहीं रहा दौड़ेगा तो फिर मैं मरण दौड़ जाऊंगा आफ्टर घोड़े में बैठने के बाद हम जाएंगे कुत्तों के पास वहां से आ रही है कुत्तों की पूरी फौज चो चो सामने सारे कुत्ते चो पूरी की पूरी फौज आ हा छोटू आ हा चो ओए ओ बाबा डर लगी और देखो गाइस कितने कुत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कुत्ते हैं काफी झुंड में जा रहे हैं मुन्ना झुंड में तो सुअर आता शेर अकेला आता है ये काल ओए काल हुए तेरा के चल रहा अभी यहां से एक कुत्ता पानी पी के गया पिएंगे आप क्यों गाइस ये जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसको हम पी सकते हैं देखो वहां से निकल रहा है ताजा ताजा ठीक है तो पहले ऐसे करो कि ऐसे कर दो ऊपर वाला जो कुत्ते का वो ऐसे कर दो ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पी सकते हम कुत्तों का जूठा भी पहले कुत्ते ने पिया दूसरे कुत्ता अब तीसरा कुत्ता पी भाई बस सेम है अभी तरह तीन कुत्ते भी बस जीभ काट दी बाहर ये ना करा और ये दूसरे कुत्ते को पीना ही नहीं आ रहा क्या पानी पीना हुआ तो गाइस बैटरी खत्म होने वाली है तो खत्म होगी लगभग तो आज के लिए इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू सो मच बाय बाय तेज राम और बीर बसंत का बारी तो अभी ये जल्दी आएगी जब इनको छुट्टी पड़ जाएगी तब क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार है और बस बननी है तो ठीक है गाइस बाय बाय गुड नाइट